कच्चा बादाम से फेमस हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा के ऊपर इन दिनों मुसीबतों के बादल छाए हुए हैं। वह पिछले कुछ दिनों से अपने वायरल एमएमएस को लेकर नेटिजन्स के बीच एक नया डिस्कशन का पार्ट बन गई है, जिसकी वजह से वह इंटरनेट पर ट्रोलिंग का शिकार भी हो रही है। लेकिन ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए अब अंजलि अरोड़ा ने भी इस बात को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और सबके सामने अपना बयान पेश किया है। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे ये वायरल एमएमएस उनको और उनकी फैमिली पर इम्पैक्ट डाल रहा है। अंजलि अपनी अपकमिंग सॉन्ग सैयद दिल में आना रे के लिए एक प्रमोशनल इवेंट में आई हुई थी, जहां पर उन्होंने इस एमएमएस को लेकर खुल के बात की थी। अंजलि ने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरा नाम मेरी फोटो का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि ये अंजलि अरोड़ा का वीडियो है। मैं नहीं जानती कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन सभी लोगों ने मुझे बनाया है, इनका भी परिवार है, मेरे परिवार और भाई भी इन वीडियोस को देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसमें मैं हूँ ही नहीं। मेरा भी परिवार है, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं जो ये सब देख रहे हैं। जिन्होंने मुझे बनाया है वही मुझे इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं ना, किसी की बराबरी न कर पाओ तो बदनाम कर दो, बस सब यही कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि अंजलि कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉगअप का भी हिस्सा रह चुकी है। यहाँ से उन्होंने घर घर तक अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उनका मानना है कि ये सब लॉकअप में आने से पहले से ही चल रहा था। अंजलि ने कहा कि जब मैं लॉकअप से आई थी तो मुझे पता था कि ये सब लॉकअप से पहले से ही चल रहा था। चौथे हफ्ते के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरे मम्मी पापा ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मेरा चेहरा लगाकर कुछ फेक वीडियोस चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरे मम्मी पापा ने मुझसे एक भी चीज नहीं पूछी कि ये क्या है और क्या नहीं। लेकिन कुछ दिनों पहले से ये सब फिर से होने लगा है। अंजलि ने आगे सबसे सवाल पूछते हुए कहा कि मैंने सबका क्या बिगाड़ा है या मैंने क्या गलत किया है, मैं वो नहीं हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं तो ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं? आप ये भी नहीं सोचते कि किसी का परिवार इसे सह पाएगा या नहीं? मैं सिर्फ 21 साल की हूँ और इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ कि इसे झेल पाऊँ। हालांकि अंजलि के परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, तो अब इस केस को लेकर और कौन से बड़े खुलासे बाहर आते हैं इसका इंतजार तो सभी फैंस को रहेगा। फिलहाल आपको इस बड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस केस के और भी अपडेट्स के लिए और एंटरटेनमेंट की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।